पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। मेगा ट्रेड फेयर में आइए, इंदिरा गांधी मैदान के मध्य में यह लगा हुआ है। और इस ट्रेड फेयर के बारे में मैं क्या बताऊं आपको, आप जब अंदर आएंगे तो देखेंगे एक से बढ़ के एक चीज़, आपका काम का चीज़ हो सकता है इसमें से कुछ हो। तो आइए चीज़ों को विस्तार से समझने के लिए एक बार अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर ज़रूर पधारिए, फिर आप चीज़ों को समझ पाएंगे ये है क्या और इसका क्या लाभ आपको मिल सकता है। तो जुड़े रहें हमारे साथ, ऐसे ही अपडेट्स लेकर के हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दो शब्द सर, कैसा, क्या कहेंगे आज के इवेंट के बारे में? सर, निश्चित एक अच्छा प्रयास किया है और देश भर के लोगों को यहाँ से और बाकी चीज़ों से जोड़ने का काम किया है, उसको मेरी शुभकामनाएं ऐसे आयोजनों से। पब्लिक को, व्यापार क्षेत्र को, हर क्षेत्र को बहुत लाभ होता है और इस प्रकार के व्यापारी समूह को सबको जोड़ने को एक मंच पर ले आकर के अच्छे अच्छे इस फेयर से लोगों के तमाम कंपनीज आई हैं, जिससे लोग एक दूसरे की टेक्नोलॉजी से, एक दूसरे की गुणवत्ता से जुटेंगे और इससे हर का लाभ होगा। शुभकामनाएं सर। भविष्य में व्यापारी जगत और भी कुछ आपसे अगर बेनिफिट लेना चाहे तो आपके तरफ से सर कुछ? व्यापारी जगत तो अच्छा काम कर रहा है, समाज को इससे व्यापार अच्छा बढ़े और इस देश में उसके कारण समृद्धि आए, उसको सभी चाहेंगे, हमारा उसमें सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, द ग्लोबली न्यूज़ अपडेट्स में आपका स्वागत है। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह के रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदीराम बल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। तो आज के प्रोग्राम के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए सर। सर, आज का प्रोग्राम जैसे कि पहले भी हमने आपको बताया, ये ट्रेड फेयर है वनगो 2023 सिलीगुड़ी। ये कंस्ट्रक्शन और रोड के ऊपर ये ट्रेड फेयर किया गया है और इस ट्रेड फेयर करने का मकसद हमारा यही है कि ट्रेड को यहाँ कैसे बढ़ावा दिया जा सके। आज तक इस रीजन में इतना बड़ा ट्रेड फेयर इस पैमाने में नहीं हुआ, तो हम आज के ज़माने के साथ जो चलना चाहते हैं, जो दिल्ली, बॉम्बे, जितनी भी मेट्रो सिटीज़ है, जिसमें जिस कैटेगरी का, जिस लेवल का ट्रेड फेयर होता है, उस लेवल का ट्रेड फेयर को हमने सिलीगुड़ी में लेके आया ताकि लोग इससे लाभान्वित। आज आप अगर बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली में खर्चा है, टाइम वेस्टेज है, बहुत कुछ बात है, लेकिन यही चीज़ अगर आपको सिलीगुड़ी में मिल रहा है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ विजिट ज़रूर करें, कि ऐसा ट्रेड फेयर कभी भी इस रीजन में नहीं हुआ। तो हम दर्शकों से यही अनुरोध करेंगे कि आप कम से कम एक बार ज़रूर आएँ, आप आएँ और देखें ये किस कैटेगरी और आपको कितना लाभ पहुँचता है यहाँ। सर, ये इसके लिए इतने दिनों के बाद इतना देर हो गया क्यों और इसका प्रेरणा कहाँ से मिला? ऐसा है, हमने ऐसा नहीं कि ट्रेड फेयर पहले नहीं किया, आज से 20-22 साल पहले हमने कंचनजंगा स्टेडियम में, जो जगह जहाँ मेला लगता है साइड में, वहाँ हम ट्रेड फेयर किया था। लेकिन समय के हिसाब से आज सिलीगुड़ी या इसके यहाँ पर ट्रेड फेयर का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ छोटे छोटे मेले इस टाइप का कंसेप्ट है। लेकिन अब समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, सिलीगुड़ी जैसे फास्टेस्ट गोइंग सिटीज़ में आई है, यहाँ आप देखिए पैमाने में हमें कंस्ट्रक्शन धरल्ले से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब हर जगह आप देखिए कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो अब सिलीगुड़ी वो छोटी वाली बात नहीं रही, अब बहुत बड़ा शहर हो गया। अब जब शहर बड़ा हो जाता है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, अब उसको लेटेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, सब कुछ उसको लेटेस्ट फूड चाहिए, क्योंकि यहाँ की अब पब्लिक की डिमांड जो हिसाब से आ जाती है कि उनको हर चीज़ आधुनिक, सबसे लेटेस्ट चीज़ अपने को घर में होना चाहिए, ये कंसेप्ट हो गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मकान बनना चाहिए। तो वही है, इसी को ध्यान में रखते हुए
इस टाइप का हमने ट्रेड फेयर करने का सोचा, और ये परिकल्पना आज से नहीं है, एक साल पहले से चल रही है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम ये कुछ दिनों का या महीनों का चक्कर नहीं है, इसमें साल लग जाते हैं। यहाँ पर लगभग 125 स्टॉल के आसपास है और 150 से ज़्यादा कंपनियाँ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये पैन इंडिया कंपनियाँ सब है, यहाँ की भी है, बाहर की भी है, इंडिया लेवल में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उन्होंने अपने डिस्प्ले रखा है। कई नई कंपनियाँ भी आई हैं जो अपने प्रोडक्ट दिखाने के लिए कि हम भी ये बना रहे हैं। इतने देर जानते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी यही चीज़ बना रही है, आप उसी का सामान ले रहे हैं। अब आपको उन्होंने पता नहीं, ये सामान ये दो कंपनी और बना रही है, उससे सस्ता, उससे बढ़िया आपको वो मिल रहा है, उससे आधुनिक अगर आपको मिल रहा है तो आप नेचुरली है कि उसको आप यूज़ करेंगे। सर, ये तमाम कंपनियों का सब ब्रांचेस यहीं पे सिलीगुड़ी में ही है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैक्सिमम का तो रहता है उनका डिस्ट्रीब्यूटर है, और कईयों का तो अभी जो यहाँ आए हैं तो वो अपने अपने नए नए डिस्ट्रीब्यूटर सीन में खोजेंगे, तो उससे आप बिजनेस बढ़ने की अपॉर्चुनिटी, आप ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट डील कर रहे हैं तो यहाँ आके देखते हैं ये प्रोडक्ट हमारे साथ जुड़ सकता है, आपकी दुकान में ऐड ऑन हो सकता है, तो आप उसको भी जोड़ेंगे, उससे आपका भी व्यापार बढ़ेगा और यहाँ सिलीगुड़ी के लोग भी लाभान्वित हो, मैंने उनको भी लाभ पहुँचेगा कहने का मतलब। सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन? तो मेरा नाम विजय कुमार अग्रवाल है, मैं प्रेसिडेंट हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन। धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ लगा है, इसके विषय में आप अपना परिचय देते हुए स्टॉल का नाम और मेरा नाम प्रियांशु अग्रवाल है। हम लोग का स्टॉल, हम लोग का जो दुकान का नाम है वो सीताराम सेल्स बोल के है। ये अपना आश्रम पड़ा लाला लाजपत राय रोड में है और अपने लोग डोर फिटिंग्स का होलसेल में काम करते हैं। हम लोग के पास वाइड रेंज ऑफ वैराइटीज़ मिल जाएगा आपको, और सस्ते से सस्ते माल और एकदम महंगे से महंगे माल सब एकदम रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा, और क्वालिटी पूरा एश्योरेंस के साथ। कितने वर्षों से आप लोगों का दुकान है? मेरा 25 साल से ज़्यादा हो गया, 25 ईयर्स। कितने वैराइटीज़ है आपके स्टोर में? मेरे पास अगर कमर्शियल माल एंड ऑल आप सारे फिटिंग्स एंड ऑल कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास नहीं तो 3000 से ऊपर आइटम्स है। कैसा लगा आपको पार्टिसिपेट होकर के इस तरह का ये ट्रेड बाजार में, ट्रेड फेयर में? सिलीगुड़ी में पहला बार हुआ है, एंड उस लेवल में सिलीगुड़ी में पहला बार के हिसाब से बहुत बढ़िया लेवल में हुआ है ये। बहुत ने अपने सब लोग ने अपने बहुत फुल 100% एफर्ट दे के अपना स्टॉल बनाया है। फुटफॉल्स भी बढ़िया है अभी के हिसाब से, इनिशियल टाइम के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से अभी और आगे फुटफॉल बढ़ेगा भी। लगभग अभी तक कितने विजिटर्स आपके काउंटर को विजिट कर चुके हैं? मेरे काउंटर पर बोलूँ तो मैं एज अ फर्स्ट डे मेरा अभी तक हो चुका है नियरली 30-40, मतलब 4-5 घंटे में शुरू हुआ है, 4-5 घंटे के अंदर में 30-40 विजिटर्स आ चुके हैं। ऑडियंस को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप, कुछ अपने तरफ से बोलना चाहेंगे? आप लोग एक बार हम लोग का स्टोर में आइए, हम लोग के स्टोर में सारे डिस्प्ले किया हुआ है, उसमें आप लोग देखिए, अपना क्वालिटी एश्योरेंस हम लोग देते हैं, रेट का एश्योरेंस हम लोग देते हैं, आप लोग आइए बस देखिए और ले जाइए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।